थड़ोदा में एक ग्रामीण के घर दो बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घर से 5,20,000 रुपए के आभूषण एवं नकदी चुरा ली। जहाँ पर ग्रामीणों ने सजगता का परिचय देते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों धर दबोचा तो वहीं दूसरे को पुलिस ने खोज निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार थड़ोदा निवासी नरेंद्र पिता कैलाश चंद्र बैरागी के घर शुक्रवार रात को दो अज्ञात बदमाश वारदात करने के लिए घर में घुस गए और परिजनों को सोता देख घर से करीब 5,20,000 रुपए कीमत वाले सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी चुरा कर भाग निकले। तभी नरेंद्र बैरागी की नींद खुल गई और नरेंद्र बैरागी ने तत्काल सजगता का परिचय देते हुए एक आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दे दी। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उनने खुद का नाम रुपेश पिता ओम प्रकाश नागर मक्सी रोड पवासा उज्जैन बताया। मौके से राहुल पिता प्रेम नारायण पोरवाल माता मंदिर के पास निनोरा नाना खेड़ा उज्जैन फरार हो गए और जिसे पुलिस ने खोज निकाला। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से चोरी की गई रकम बरामद करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। पूरा गांव में चोरी का मामला हुआ, क्या है पूरा घटना? कल रात को करीबन 3 बजे फरियादी नरेंद्र बागरी के घर पर दो चोर जो थे वो चोरी की नीयत से घुस गए थे और घर के अंदर जो ऊपरी मंजिल जो घर था कमरा था वहाँ पे गोदरेज का जो था ताला तोड़कर उसमें रखी करीबन 5,20,000 की जो रकम थी सोने चांदी की वो चोरी करके भाग रहे थे। फरियादी की नींद खुली और उसने देखा भागते हुए चोरों को, तो वो फरियादी तथा गाँव के कुछ लोग उन्होंने पीछा किया। उसमें से एक चोर जो था रुपेश और पिंटू निवासी उज्जैन का, उसे पकड़ लिया गया मौके से और मौके से उसके पास से एक पायल करीबन 20 ग्राम की चांदी की और एक सोने का मांग टीका जो था 4 ग्राम का लगभग करीबन कीमत 19,000 थी वो ग्रामीणों ने और फरियादी ने पकड़ लिया था, जिसको लेकर लोग चौकी पर आए। फिर चौकी पर मुकदमा कायम किया गया, विधिवत गिरफ्तारी हुई और फिर आरोपी की निशानदेही से दूसरे आरोपी को हमने गिरफ्तार किया और बाकी जो मशरूका था इसमें वो पूरा पुलिस ने बरामद कर लिया है। जी, इनको भी हमने हमारे द्वारा न्यायालय में पेश किया गया था। पीआर हमारे द्वारा पीआर चाही गई थी माननीय न्यायालय से, लेकिन इनका पीआर स्वीकृत नहीं हुआ है और इनका भी जेल वारंट जारी होने से इनको हम जेल दाखिल करवा रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अगरमालवा से अतिशान खान की रिपोर्ट।